हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एचएल क्लासेस। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशन पर बात करेंगे। हमारे बच्चों ने कही है कि आप इसे बनाओ, तो आज हम इसके बेस पर हम इसका एक्सरसाइज 2.3 करवाने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन। Find the square root of the following by prime factorization method. आपको prime factorization method तो पता ही होगी। तो हमें किसका निकालना है? 1521 का prime factorization method, वही अपनी LCM लेने वाली, ये तो सबको ही पता होगा। तो देखो, सबसे कम पहले 3, 3 5 जा 15, फिर 0 लगाएंगे तो लेंगे 3 7 जा, ठीक है। 3 1 जा 3 और 2 3 6 जा 3 9 जा, फिर ये करता किससे? 13 से 13, और ये 13 बन जा, ठीक है। तो ये आ गया, और इसके हम पेयर बनाते हैं, पता होगा आपको। तो क्या आएगा इसका? 13 × 3 39 इज आंसर, ठीक है। सेकंड पार्ट 1600 2 से काटेंगे, 2 8 जा 00, 2 400, फिर 2 से 200 100, 2 से 50, 2 25, 5 5 जा और 5 बन जा, ठीक है। इसका पेयर बनाएंगे 5, 1 2 का पेयर और 1 2 का पेयर, कितना हो गया? 2 × 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 इज आंसर। बाकी ये दोनों आप करेंगे। अब करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड 76। क्या करना है हमें इसमें? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन मेथड। आपको डिवीजन मेथड हम सिखाते हैं। तो देखो कैसे करते हैं डिवीजन मेथड में। ये लिखा 15376। अभी तक आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करी है, तो हम करेंगे अब डिवीजन मेथड। तो देखो, इसमें हम पीछे से दो दो के पेयर बनाते हैं, ठीक है। ये बन गया पेयर, ये बन गया, अब ये रहेगा सिंगल, इसका कोई पेयर नहीं है। तो इसको हम ऐसा स्क्वायर रूट लेते हैं जिसके इसके इक्वल आए। देखो 1 1 जा 1, ये तो माइनस हो गया, क्या बचेगा? अब फिर ये आ गया 0, ठीक है। फिर हम पेयर वाले लेते हैं, 53 नीचे आ गया, ठीक है। 1 का डबल, फिर क्या करते हैं इसके डबल, इसका डबल लेते हैं ऊपर वाले का, 1 का डबल 2। फिर देखो ऐसा चीज लगते हैं हम कि इसके इक्वल आ जाए, जैसे कि देखो 2 2 2 8 जा, तो देखो यहाँ भी वही रखेंगे और यहाँ भी वही रखेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए। अब देखो ये है 2, अब हम 3 रख सकते हैं, एक बार को देखते हैं, 3 यहाँ भी और 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये 53 से क्या है? ज़्यादा है और ये कम है, तो यहाँ रखेंगे हम 2 यहाँ पर और यहाँ पर भी 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो इसमें माइनस करेंगे क्या आएगा? 6 3 9 9 आएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा ये 76। अब फिर से 12 का डबल 24 रखा हमने। अब हम ऐसा रखेंगे यहाँ पर कुछ, इस जिससे हम रखेंगे उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जैसे कि 24 3 रख लेते हैं, ठीक है, 3 × 3, अगर हमने यहाँ 3 रखा तो यहाँ से हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 3 4 जा 12, की 2 बचा 1, 3 2 जा 6 7, ये भी कम है तो रखेंगे 4 4 × 4 4 4 जा 16 बचा 1, 4 4 जा 16 17 बचा 1, 2 2 4 2 जा 8 1 9, ये आ गया 976, तो रख देंगे 4 यहाँ पर और यहाँ पर भी 4, क्या आ गया 976, ये आ गया हमारा आंसर इसका डिवीजन मेथड से 124 आंसर, ठीक है। आपको समझ में आया? इसमें हम मल्टीप्लाई कर करके देखते हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास 974169, हमने आपको बताया था पीछे के दो दो पेयर बनाएंगे, हम बना लिया हमने। फिर देखो
इसका ऐसा स्क्वायर रखना है हमें, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 8 8 64 अभी कम है, 9 9 81, ठीक है। तो 7 में से बन गए 6 और ये 1, फिर इसे उतारा 41, 9 के डबल 18, ठीक है, 9 के डबल 18। अब ऐसे कुछ रखना है हमें कि इसकी कमाए इसके इक्वल आए या फिर इससे थोड़ा कम आए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम रखते हैं इसमें हम 8 8 64 6 8 8 64 65 66 67 68 69 और 77 7 8 1 8 7 50, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1504, माइनस कर 11 में से 4 गए 7 3 137, और ये फिर उतारा इसे 69, ठीक है। यहाँ पे 8 था, 8 रखा हमने, 98 का डबल 196। फिर हमें ऐसा कुछ रखना है कि इसके इक्वल आए या फिर इससे कम आए, इसे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखो 196 इंटू हमने रख दिया 7 इंटू 7, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि 7 7 49 कुछ आ सकता है, इसलिए हम ऐसे रखते हैं 7 7 49 और 7 6 42 42 और ये 46 और 7 9 30 7 9 63 और ये 67 6 7 7 30, या देखो जी हमारा कुछ आ गया 7 7 9 1 3 7 6 9, ये हमारा आंसर आ गया, क्या आया 9 8 पार्ट, और फोर्थ पार्ट करेंगे इसका आप, ठीक है, ये आपका होमवर्क है फोर्थ पार्ट। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करके बोलिएगा तो मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ थर्ड पार्ट है हमारा 400 4001, ये हमारा इजी सा है। देखो 400 4001 पेयर बनाएंगे पीछे से 2 2 के, इसका पेयर ये और ये बचा सिंगल। तो देखो 2 2 जा 2 2 जा 4, ठीक है, माइनस अब 00 आएंगे, इससे कोई फायदा नहीं है हमें, तो हमें 4 लाना है, ठीक है, 4 और 0 आएंगे अब इसके बाद, तो हम यहाँ पर एक 0 लगा देंगे जिससे कि ये आ जाएंगे 40। अब देखो 20 का डबल 40, अभी भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि देखो कुछ नहीं हो सकता, तो हम इसे लाने के लिए एक और 0 लगाएंगे यहाँ पर, क्या आएगा 01। अब देखो 200 का डबल 400, ठीक है, इसे 0 हटा देते हैं हम, समझ आई बात आपको। तो देखो अब हमें क्या करना है, इसके इक्वल लाना है, इससे कम लाना है, ज़्यादा नहीं लाना, तो हमें सिंपली दिख रहा है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा हमारा 1, से अगर हम इधर करेंगे तो 1 से उसमें इधर भी करेंगे 1 1 1 0 4, ये आ गया 1 बार में 4001, इसका आंसर क्या आ गया 2001, ठीक है, ये हमारा सिंपल था। एक बार और बताते हैं आपको, हमने 2 2 के पेयर बनाए, 2 2 जा 4, ठीक है, 00 आना आएंगे अब पेयर, अब 00 आएंगे, तो देखो 00 में कोई मतलब ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर फिर आएंगे इस बार अगर हम लाएंगे इसे तो हम 1 0 लगा देंगे, ठीक है, 40 आ जाएगा, तो 20 के डबल 40, फिर अभी भी कोई नहीं हो रही हमारे पास, तो 01 लाएंगे, ये इसे ले आए हम, फिर से डबल 1 0 लाएंगे 200 डबल 400, फिर वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हम पता है, ग्रेटेस्ट नंबर नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है 9 9 9 9, ठीक है, तो हमें क्या बताना, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बताना है 4 डिजिट के, इसमें तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा ये है, इसको हम पहले करते हैं ये करेंगे, तो देखो पेयर बनाएंगे 9 9 जा 81, माइनस करा 9 में से 8 गए 9 में से बन गया 8 9 से 8 गए 189, ठीक है, 9 का डबल
9 डबल 18, ठीक है। अब देखो ऐसा कुछ रखना है हमें, इससे इक्वल आए इससे कम आए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 18 डायरेक्ट हम 99 रखते हैं, 99 81 बचा 1, 9 8 72, 8 80 बचा 8, 9 9 9 और 8, 9 8 17, ठीक है। उससे ज़्यादा रख नहीं सकते हम, तो क्या आ गया 17 01। माइनस करेंगे 8 9 1 198 हमारा आ गया, ठीक है। तो 198 इससे क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, तो देखो इसमें हम माइनस कर देंगे 9999 माइनस 198, माइनस करेंगे क्या आएगा 1089801 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसमें 198 क्या था, ज़्यादा था, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, पर 9801 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसे हम प्रूव करके भी दिखा देते हैं आपको, देखो 9801 निकाल के दिखाते हैं आपको, ठीक है। 9801 पेयर बनाएंगे दो लोग का, 9 9 81, 8 में से बन गए 7 1 0 1, और ये 9 8 डबल 18, ठीक है। अब हम ऐसा कुछ रखना है हमें किसके इक्वल आए या किससे कम आए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखो 18 इंटू, अगर ये पूरा कट जाएगा तो ये इज अ परफेक्ट स्क्वायर, नहीं कटेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम रखेंगे यहाँ पर कुछ भी रखते हैं, हम 9 रखते हैं, ठीक है। डायरेक्टली 9 हमने क्यों रखा, क्योंकि 9 9 81, 1 से हमें कुछ क्लू मिल रहा है, इसलिए हमने 9 डायरेक्ट रखा। 9 9 81, 1 8, 9 8 72 और 8 80 बचा 8, 9 9 9 9 और 8 72, तो ये आ गया कितना 9 1 7 0 1, ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये हमारा आंसर क्या है इसका, सही है, 9 8 0 1 क्या है, ये है, ठीक है। तो हमने अपना परफेक्ट 4 डिजिट का हमने सबसे हाईएस्ट परफेक्ट स्क्वायर में निकाल लिया, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें लीस्ट मतलब कम से कम वाला, तो देखो कम से कम लीस्ट लीस्ट 6 डिजिट, लीस्ट में 1 1 2 3 4 5 6, ये होता है हमारा लीस्ट नंबर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें बताना है परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो उसमें हमने ऐड कर दिया था, सॉरी सब्ट्रैक्ट करा था, अब हम इसमें करेंगे ऐड। देखो कैसे, इसको पहले हम फाइंड कर लेते हैं, दो दो के पेयर बना लिया हमने, ये बन गया हमारा पेयर, ठीक है। फिर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो देखो 2 2 4 कम है, 3 3 9 बचा कितना 1, 2 2 0 आ गए नीचे, 3 का डबल 6, 1 टाइम्स क्या जाएगा 61, माइनस करा 10 में से बन गया 9, 9 में से 6 39, फिर आया डबल 0, 31 का डबल 62, ठीक है। अब देखो इसमें वैल्यू रखते हैं कुछ, ठीक है, 5 5 25 2 5 2 10 2 12 1 5 6 30, नहीं अभी भी रख सकते हैं हम, 6 6 36 बचा 3 3 6 12 3 15 बचा 1 6 6 36 37, ठीक है ये रख सकते हैं हम 6 बार, क्या आएगा 6 6 36 बचा 3 3 2 6 2 12 3 15 1 6 6 36 और 37, ठीक है। क्या बचा हमारा, 10 में से 6 गए 4 9 में से 5 गए 4, यहाँ बचा 2, सॉरी 1 8 में 7 गए 1 1 4 4, ठीक है ये हमारा आ गया। अब देखो तो मतलब ये क्या है हमारा, एक्स्ट्रा है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व लिखते हैं यहाँ पर, वी ऑब्जर्व, क्या देखा हमने इसमें कि ये देखो ये इससे क्या है, छोटा, ये इससे बड़ा है,
क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये 1 लाख इससे बड़ा है, ठीक है। बट 317 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। इससे बड़ा है उससे क्या होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। तो देखो अगर हम 317 को स्क्वायर में से इतना माइनस करते हैं तो हमारा बीच का नंबर आ जाएगा, और हम उसे ऐड करके हम अपना एक नया परफेक्ट स्क्वायर इसे फाइंड कर सकते हैं। देखो ये क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, ये होता है इसका स्क्वायर रूट, और ये हो गया इसका, ठीक है। माइनस करा 489, अब हम इसी में ऐड कर देंगे 1 लाख में 316 के हॉल इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें हमने क्या कर दिया, इसे ऐड कर दिया, तो ये आ गया हमारा 489, और ये क्या होता है, ये होता है 317 स्क्वायर रूट निकाल के, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, 317 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर रूट आ गया। नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट क्या होता है, 9999 तो हमें क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो देखो ये आ गया परफेक्ट स्क्वायर, पीछे के दो दो पेयर, 3 3 9, ये तो कैंसिल हो गया, फिर डालेंगे हम इसे 99, ठीक है। 3 6, अब हमें ऐसा रखना है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके इक्वल आए या फिर इससे कम आए। तो देखो 1 टाइम ही रख लेते हैं हम, यही हो जाएगा सिंपली, क्या आएगा माइनस करके हमारा 8 और 3 38, फिर उसे उतारेंगे 99, ठीक है। तो 31 62, हमें ऐसा रखना है कि इससे क्या है, इससे कमी आए जब इसके इक्वल आए, 62 कुछ रखते हैं, पहले 5 रख लेते हैं, 5 करते हैं, 5 इधर रखेंगे और इधर भी 5, 5 5 25 2 5 10 2 12 1 5 31, अभी कम है, और रखते हैं 610 रखते हैं, 6 6 36 3 6 2 12 12 3 15 बचा 1 6 6 36 37, ठीक है। इसके पास है इसी रख देते हैं हम, क्या है 3 7 5 6, ठीक है। माइनस करेंगे 3 4 1, ये आ गया 1 4 3, ठीक है। इतना हमारे यहाँ पर आ चुका है। अब देखो ये हो गया 1 4 3 आ गया, अब हम 1 4 3 को अपने इससे माइनस कर देंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो 1 4 3 इससे माइनस कर देते हैं, 9 3 गए 6, 9 4 गए 5, 9 7 गए 8, ये हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसे हम आपको करके भी दिखा सकते हैं, देखो कैसे 9 9 8 5 6 डबल पेयर, 3 3 9 9 8 6, 1 टाइम 61, 8 में से 1 गए क्या बचा 7, और ये 3, ये आया 56, 31 का डबल 62, अब रखेंगे यहाँ 6 रख देते हैं हम, तो 6 6 36 3 6 12 15 5 1 6 6 36 37, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारा ये आ गया इस परफेक्ट स्क्वायर रूट आ गया ना हमारा 9 9 8 5 6, ये आ गया हमारा 316। तो हमारा ये क्या है आंसर, बिल्कुल परफेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 22 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो देखो आपको रेक्टेंगल पता ही होगा जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, ये 22 सेंटीमीटर है तो ये भी 22 और ये 120। और रेक्टेंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हमारे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो देखो ए बी सी डी
90 डिग्री का है, तो देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, तो देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस हमने पढ़ी है, 90 के सामने वाले क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस हमें निकालनी है, डायगोनल है परपेंडिकुलर 22 का स्क्वायर और ये 120 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 484, आपको 30 तक स्क्वायर याद करना जरूरी है, और 12 का रख लेंगे हम 144 और 000 लगा देंगे, ठीक है, ऐड करेंगे क्या आएगा 14884 ये आएगा हमारा, तो इसके ऊपर हम अंडर रूट चढ़ा देंगे। अब हमें इसे क्या करना है, फाइंड करना है, देखो अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे हम, सिखाया हमने आपको अभी, पीछे के दो दो पेयर बनाए हमने, अभी बचा वन, तो वन बन जा वन कट जाएगा ये, फिर क्या आएगा हमारा 48, ठीक है, ये दोनों हमारे एक साथ नीचे आएंगे, वन का डबल टू, अब हम ऐसा रखेंगे या फिर इसके इक्वल आए या इससे कम आए, पर इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो टू ट्वेंटी टू टू जब फोर टू टू जब फोर, ठीक है, अगर हम थ्री रख देंगे तो क्या आएगा थ्री थ्री जब नाइन थ्री टू जब सिक्स ज़्यादा हो जाएगा, किसी टू रखा टू टू जब फोर और टू टू जब फोर क्या बचा फोर, फिर आया एट फोर, ठीक है, ट्वेल्व का डबल 24, अब हम कुछ ऐसा रखेंगे कि जो इसके इक्वल आ जाए, 24 2 इंटू टू 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 जो फोर टू फोर फोर टू जो एट टू टू जो फोर, हमने 2 इसलिए रखा क्योंकि 2 टू जो फोर हमें कुछ क्लू मिल रहा था इसलिए हमने रखा, देखो सही हमारा 2 रखने से आ गया 484 कैंसर, क्या बचा हमारा आंसर आएगा हमारा 122, इसकी वाली साइड क्या होगी हमारी 122 होगी, ठीक है, डायगनल होगा 1। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, अब हम करेंगे अपना इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 60509 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर बताना है कि अगर हम इसमें ऐड कर दें 60509 में तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है, तो देखो हम 60509 इसमें मैं इतना ऐसा ही ऐड करना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए 60509 टू टू के पेयर, ठीक है, अभी बचा 6, ऐसा स्क्वायर लेंगे इससे कम आना चाहिए ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इसके इक्वल देखो 2 2 4 3 3 9 9 ज़्यादा हो रहा है तो हम लिखेंगे 2 2 4 क्या बचा 2 यानी 05 2 का स्क्वायर सॉरी 2 का डबल 4 फिर देखो 2 का डबल 4 आ गया, अब हम ऐसा रखेंगे इससे कम आए या भी इसके इक्वल आए इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो देखो हम रखते हैं 4 times 4 4 16 1 4 4 16 17, अभी और रख सकते हैं हम 5 times रखते हैं 25 2 5 20 23 नहीं है अभी तो नहीं है देखो तो इसमें 4 रखते हैं, ठीक है 4 चाहिए हमारा 4 times 4 4 16 और यह 176 है, 15 में से 6 गए 9 और 9 में 7 गए 2 29, अब आएगा नीचे 09, 24 का डबल 48, अब हमें ऐसा रखना है कि इसके इक्वल आए या इससे कम आए, तो 48 इंटू इसमें हम 5 रखते देखते हैं 5 5 25, पर ये आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ गड़बड़ है, फिर भी रखते हैं 5 5 25 2 42 40 4 5 4 20 20 24 इसके कुछ आसपास ही आ रहा है, पर देखो अगर हम 6 रखेंगे तो 6 6 36 3 48 ये आ गया 51 5 29 ये हमारा क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है,
ठीक है, तो हम इसके क्या रखेंगे, इसमें ये रखेंगे अपना 5, ठीक है, क्या आया था 5 में हमारा 2 4 2 5 ये आया हमारा। तो देखो माइनस करा 10, 9 में 5 गए 4, 9 में 2 गए 7, 6 में 4 गए 2, सॉरी 7 में से 4 गए 3, ठीक है 374, इसे हम रखने साइड में से कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, ये हमारा क्या है इससे ज़्यादा है। तो देखो अब हमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, लिखते हैं हमने क्या ऑब्जर्व करा, वी ऑब्जर्व क्या करा 245 का स्क्वायर ये इससे क्या है बड़ा है, पर 246 से क्या है छोटा है, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था तो ऐसे करेंगे 246 स्क्वायर माइनस 60509, हमें क्या बताना है एक नंबर बताना है, तो इसका स्क्वायर क्या होता है 60516 माइनस 60509, तो माइनस करेंगे क्या आएगा 7, तो लिख देंगे हम रिक्वायर्ड नंबर बी 7, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया हमारा 7। यहाँ हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म, अब हम करेंगे अगला चैप्टर या फिर अगली एक्सरसाइज, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट